हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका 25वां पाठ आखिरी पाठ है। ये एक कविता है जो कि है बाल लीला के ऊपर। कविता हमने समझ ली है, वीडियो अपलोडेड है। आज चर्चा करेंगे इस कविता के पाठ अभ्यास के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है शब्दों के अर्थ, जैसे गुसैया का मतलब स्वामी या मालिक, रसैयों का मतलब क्रोध करना या रूठना, छैया मतलब अधीन, रूठी मतलब रूठना, पठायो मतलब भेजना, तासो मतलब उससे, छीका मतलब रस्सी, तार आदि से बनी झूली जिसे छत कर से लटकाकर उसमें खाने पीने की चीजें रखते हैं, दोहैया मतलब दुहाई देकर, दाव मतलब दांव देना, भोर का मतलब सुबह या प्रातः, बरबस का मतलब जबरदस्ती, मोते मतलब मुझसे, बहसी मतलब हंसकर लाठी, बहियन मतलब बाहें कंबल, गुवैया मतलब साथी ग्वाले। दूसरा प्रश्न है निम्न शब्दों के हिंदी रूप लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है आप सबके लिए। सबसे पहला जो शब्द है करत मतलब करते हो, दूसरा हमते मतलब हमसे, तीसरा मोते मतलब मुझसे, चौथा गया मतलब गाय, मैया मतलब माँ, माखन यानी मक्खन सातवां, पाछे मतलब पीछे आठवां, केही मतलब किसे नौवां, कछु का मतलब कुछ दसवां, बैर का मतलब बैर। आगे है विचार बोध। पहला प्रश्न है यहाँ पर श्री कृष्ण क्यों गुस्से हो जाते हैं। उत्तर है खेल में श्री दामा से हार जाने पर श्री कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न कृष्ण के क्रोध करने पर ग्वाल सखा क्या जवाब देते हैं। उत्तर कृष्ण के क्रोध करने पर ग्वाल सखा उसे फटकारते हैं कि हम उससे नहीं खेलेंगे जो रूठते फिरते हैं, जाओ तुम भी वहां जाकर बैठो जहां सब अन्य ग्वाले बैठे हुए हैं। तीसरा खेल में कौन जीतता है। उत्तर खेल में श्री कृष्ण के सखा श्री दामा जीतते हैं। चौथा प्रश्न है कृष्ण ने मक्खन ना खाने की कौन कौन सी दलीलें दी। उत्तर है माखन ना खाने की दलीलें देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सुबह से शाम तक गौओं को चराने गया हुआ था, तुमने माखन का छीका इतनी ऊंचाई पर लटका रखा है, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से इसे कैसे पा सकता हूँ। पांचवा प्रश्न है कृष्ण की कौन सी बात सुनकर माता ने हंस कर उसे गले लगा लिया। उत्तर सूरदास की बाल सुलभ चंचलता भरी बातें सुनकर यशोदा हंस कर उसे गले से लगा लेती है जब कृष्ण कहते हैं कि ये ले अपनी लाठी और कंबल, तुमने मुझे बहुत ही अपने इशारों पर नचा लिया है। आगे और प्रश्न है कृष्ण के क्रोधित होने पर ग्वाल सखा क्या कहते हैं। उत्तर कृष्ण के क्रोधित होने पर ग्वाल सखा उसे कहते हैं कि खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, श्रीदामा के जीत जाने पर तुम गुस्सा क्यों करते हो, जो खेल खेल में रूठ जाता हो उसे क्या खेलना, जाओ तुम भी वहां बैठे रहो जहां सब गवाले बैठे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है सूरदास के इन पदों में बाल मन की किन किन भावनाओं को अंकित किया गया है। उत्तर
सूरदास के इन पदों में बाल मन की चंचल मुद्राओं को चित्रित किया गया। बालक का खेल में हार कर रूठना, रूठ कर बैठ जाना, फिर अपने आप मान जाना, चालाकी करके ना माना, गुस्सा दिखाना आदि भावनाओं को चित्रित किया गया है। आगे है आत्मबोध। पहला, अपने अध्यापक से कृष्ण के जीवन और लीलाओं का परिचय प्राप्त करें। दूसरा, अपने अभिभावक माता पिता के साथ जन्माष्टमी पर्व की जानकारी प्राप्त करो व मेला देखो। और आगे सूरदास द्वारा लिखित बाल लीला के अन्य पद भी पढ़ो। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, हार जाने पर श्री रामा से कौन गुस्सा हो जाते हैं? श्री कृष्ण, बलराम, घनश्याम या श्री रामा? उत्तर है क, श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न है, ग्वालों के अनुसार खेल में क्या नहीं होता? छोटा, बड़ा, बड़ा छोटा या शून्य? उत्तर है कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण ग्वालों की शिकायत किनसे करते हैं? पिताजी से, माता यशोदा से, श्री रामा से या गोपाला से? तो इसका उत्तर है वो शिकायत करते हैं माता यशोदा से। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण क्या ना खाने की जिद करते हैं? मक्खन, गुड़, मिश्री या मेवा? उत्तर है मक्खन। पांचवा प्रश्न है, खेल में सब कैसे होते हैं? बराबर होते हैं या असमान होते हैं या ज्यादा कम बराबर या कुछ नहीं? तो इसका उत्तर है खेल में सब बराबर होते हैं। तो ये थी आज की क्लास। में उम्मीद करती हूँ इस कविता का अभ्यास जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।